साइड में देखिए भैया को लेके गया है, पैसे का कुछ डिमांड होगा उधर। जब अपना लाइसेंस दिया तो उस पुलिस वाले ने, इस जगह आपको आके अपने गाड़ी का विवरण देना होगा। इधर हम लोग खुनवा बॉर्डर पे हैं, ये वेरीफाई होगा। ये जो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये हम लोग अभी नेपाल के भूमि पे खड़े हैं। उस पार अगर आप देखेंगे, ये जो गेट है इसके उस पार हमारा इंडिया है, और ये बुद्ध जी की वो लगी है, प्रतिमा लगी हुई है, और हम लोग अभी नेपाल के अंदर हैं। तो अभी थोड़ा दिक्कत है, कुछ चेकिंग वगैरह की दिक्कत है, तो इसलिए हम लोग अभी रुके हुए हैं नेपाल में। भैया और एक जो रवि है भाई साथ में, वो भी गया है, चेकिंग का दिक्कत है, तो अभी आएंगे तो यहाँ से हम लोग चलेंगे। और बाकी देखिए, ये खुनवा बॉर्डर है, शोहरतगढ़ से 8 से 9 किलोमीटर पड़ता है खुनवा। ये अब हम नेपाल के चेक पोस्ट पे आ गए हैं। अब यहाँ पे जाके ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा जो बना हुआ है, अब यहाँ पे जाके ये लोग अपने गाड़ी का जो डिटेल होगा ये लोग अपने डायरी में लिखते हैं। ऐसे इंडिया में भी होता है जो चेक पोस्ट है, अब वही चीज़ यहाँ पर भी होगा। अब ये सब वेरीफाई हो गया है। ये हमारे मोनू भैया हैं, बोले वो सब्सक्राइब करे, बोल दे सब्सक्राइब कर देना भाई। अब ये हम लोग जा रहे हैं भंसार कराने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये है अपना भंसार वाला एरिया, भंसार केंद्र। अंदर ही हम जाके भंसार कराएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। अब हम जा रहे हैं भंसार कराने के लिए। ये यहाँ का भंसार केंद्र खुनवा का, मतलब जो आप खुनवा बॉर्डर से आएंगे तो यही आपको भंसार यहीं पर आपको कराना पड़ेगा, भंसार आपको अपने अनुसार बाकी डिटेल में आके देता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग भंसार करवा के आ गए। ये देखिए, ये भंसार की कॉपी मिली है, ये चीज़। ऐसा आपको आरसी लेके जाना होगा इसका फ़ोटो को। जब भी आप आइए तो याद रखिए, आरसी का आपको जिस भी व्हीकल से आप हैं उसका फ़ोटो कॉपी करा लें। फ़ोटो कॉपी कराने के बाद जब आप यहाँ पे जाएंगे, किसी भी भंसार में आप जाएंगे, तो फ़ोटो कॉपी कराने के बाद आपको, पहले तो मैनुअली होता था, हाथ से लिखते पूरा आपको डिटेल फिल करते थे, फिर आपको दे थे, पैसा जमा कराते थे। अब क्या है, अब ये सब पूरा ऑनलाइन आपको ऐसा निकाल के दे देंगे, और एक ये भी रहेगा। फिर यहाँ पे हमको उस वाली बिल्डिंग में जाना पड़ा पैसा जमा करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे 1000 रुपया है, 1000 रुपया जो कि यहाँ का नेपाली होता है 630 रुपया। तो 630 रुपये हम लोगों ने दिए। फिर यहाँ पे आके बगल में साइन करवाया, साइन करवाने के बाद यहाँ पे अपना 20 रुपये पत्नी कैसा सुविधा लिए हैं, कह रहे हम प्राइवेट बैठते हैं। तो वो सब होने के बाद अब ये हम लोगों को मिल चुका है। यहाँ का ठप्पा भी लगा, आप देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और इस जगह का नाम है सिठौली। ये जो जगह है नेपाल में, हम लोग सिठौली में हैं। अब बस हम लोग गाड़ी पे बैठ के वापस निकल रहे हैं बॉर्डर की तरफ, अपने भैया को और सभी यार मित्रों को लेकर निकलते हैं प्रभुनाथ। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा थोड़ा पहाड़ दिखने लगा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग जा रहे हैं प्रभुनाथ, जिसको नेपाल में स्वर्गद्वारी भी बोला जाता है। नेपाल में क्या, हर जगह स्वर्गद्वारी बोला जाता है, लेकिन हम लोगों के जो उसमें है प्रभुनाथ ज़्यादा फेमस है। हम लोगों के सिद्धार्थनगर में ज़्यादा लोग प्रभुनाथ ही बोलते हैं। तो इस समय हम लोग गाड़ी से जल्दी जल्दी आ गए हैं, कार से चंद्रौटा, और ये इधर हवा चेक हो रहा है, और साथ में हमारे भैया भी हैं, टिक्की है। अब इधर से हवा भर के लोग निकल देंगे दोबारा अपने सफर पे। और एक और साथी है अपना, अभी देख नहीं रहा है, गया पानी भरने के लिए। तो हम लोग अब इधर से निकल रहे हैं। ये चंद्रौटा है, देख लीजिए फ्रेंड्स, ये यहाँ का हाईवे रोड है, बहुत बिजी रोड है यहाँ का। ये कुछ कहना चाहते हैं आप सर? एक नंबर। क्या एक नंबर? बहुत अच्छा जगह है। एक नंबर पे, एक नंबर के गियर पे चलेंगे। एक वो है अपना फ्रेंड रवि, देखिए आ रहा है पानी भर के, हाय बोल दिया आप लोगों को। चलिए फ्रेंड्स, तो हम अपनी यात्रा यहाँ से शुरुआत करते हैं। चंद्रौटा से अब हम निकल रहे हैं, चंद्रौटा से अब हम लोग चलते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट स्टॉप कहाँ से हटेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। तो ये जो पुलिस है,
हम लोगों से डीएल वगैरह मांगा। अब डीएल वगैरह मांगने के बाद साइड में देखिए भैया को लेके गया है, पैसे का कुछ डिमांड होगा उधर, है ना। हमारे लगे है, हमारे पास इस समय यहाँ पे डीएल वगैरह सब है, लेकिन उसके बावजूद ये जो ड्राइवर साहब है इन्होंने जब अपना लाइसेंस दिया तो उस पुलिस वाले ने इनके माता का नाम पूछा, तो क्या बताया तुम्हें अपने माता का नाम? फूलमती। इन्होंने बताया फूलमती। तो अभी वो जब लाइसेंस आ जाएगा तो ये कह रहा है नहीं माता का नाम ये नहीं है, अपने आप से कह रहा है कि ये माता का नाम नहीं है। तो अभी हम लोग उसमें देखा जाएगा कि सच में वो ऐसा कह रहा था या झूठ है, जो होगा आपके सामने होगा, है ना। अब ये लोग देखिए, ये लोग सबको ऐसे रोक के रहे हैं और हम लोग प्रभु नाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ देना रहना पड़ा है। तब अब वही देव है कि देखिए भैया ये सब आ रहे हैं, अभी पता चलेगा कि भैया ने कितना दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है लाइसेंस इनका, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि माता का नाम आगे और पीछे कहीं नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती माता का नाम बताओ, माता का नाम बताओ। अब इसमें जब माता का नाम है ये नहीं, है ना, अपने माता का नाम बता रहा है, बल्कि इसने पापा का नाम बताया कि पापा का नाम राजू है, और देखिए इस पे लिखा भी है, ये देखिए पापा का नाम है राजू सहनी। तो साइड में ले जाके इसने 100 रुपया लिया भी इसके वजह से। सो फ्रेंड्स, इस समय हम लोगों ने स्टॉप लिया है भालूबांग में मेरे भैया की कार, और भैया पीछे बोलबम वाला, ये मोनू भाई, ये रवि भाई, और ये विक्की लूले। तो हम लोग इसी भालूबांग में भी चाय पानी के लिए स्टॉप लिए हैं, ये इधर यहाँ का होटल है। बाकी देखिए यहाँ का सीन वगैरह सब, ब्रिज जो था अभी हम लोग उधर से आए हैं, जो आपने अभी ब्रिज देखा था पानी वाला, उधर से हम लोग आए हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वो था। तब मोनू भाई और तेज चलाएंगे गाड़ी आप, कितने स्पीड में चलेंगे अब? उस विक्की ने इसको चढ़ा दिया कि भाई तेज चला, ये एकदम वो हो गए, हाउसफुल मामला हो गया था इनका। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग इसी ब्रिज पे हैं, पीछे सब लोग भैया और सब लोग हैं, और ये जो नदी है जब लोग आ रहे थे तो उधर ही लिखा हुआ है कि ये राप्ती नदी है। ये राप्ती नदी आपकी ये नेपाल से जाती है, जो कि सिद्धार्थनगर में भी, अपने नौगढ़ में भी, बासी में इसका बहने का स्थान है, है ना। और ये आपका चितवन जो नेपाल है, चितवन उधर भी ये नदी आती है, और ये सब जाके सीधे नेपाल में पहाड़ों का पानी ये सब होता है। ये है यहाँ का ब्रिज, खूबसूरत सा पहाड़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि हम लोग सीधे पहाड़ी से आ रहे हैं। तो दोस्तों, भालूबांग से चल के हम लोग ये इस समय किसी रेंडम जगह पे रुके हैं, जगह का नाम नहीं पता, लेकिन फ्रेंड्स आपने ये सब जगह देखा होगा, ये जो देखे हैं बादल एकदम पूरा करीब आ गए हैं, और ये सब देखिए पूरा पहाड़ी, इधर छोटा सा पानी बह रहा है, तो भैया ये उधर ही गए फोटो खिंचवाने, और हम लोग अभी इधर थोड़ा रेस्ट के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि बहुत थकान हो गई है, और रास्ता ऐसे यूं ज़िगज़ैग एकदम सर घूम रहा है, और नीचे हमारी ये देखिए खाई, ये देखिए कुछ खास खाई नहीं वाली, अगर जो लोग उस वाले पहाड़ पे थोड़ा थे ऊपर थोड़ा, तब खाई ज़्यादा थी। अब ये देख रहे आप जैसे देख रहे होंगे, इधर से आते आते ये सब रास्ता उतर रहा है, अभी ये नीचे चल रहे हैं, अभी कुछ देर बाद नीचे चलेंगे, फिर कोई आएगा चौराहा, फिर उधर से ऊपर हम लोग चले जाएंगे। अब भाई बनियान में हूँ, क्योंकि भाई क्योंकि गर्मी लग रहा था इसलिए थोड़ा अपने आप को वो कर लिया हूँ, इसलिए बनियान में हूँ। ये देखिए सामने से आ रही है गाड़ी,
देखिए कितनी छोटी गाड़ी लग रही है।